हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम टच मी नॉट यानी कि छुई मुई के बारे में बात करेंगे। ये मेरा छुई मुई का पौधा है। पहले मेरे पास कई सारे पौधे थे इसके, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, कोई बीज गिर गया होगा, तो ये फिर निकल आया है। बहुत ही नाजुक सा पौधा होता है ये, और बच्चे तो इसको जो है खूब खिलवाड़ करते हैं, इससे जादू समझते हैं इसको। तो ये छूने से जो है इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, और इसीलिए इसको छुई मुई कहते हैं। ये देखिए, बचपन में हम लोगों ने भी खेला है इसका खेल, और ये देखिए मैं छूती हूँ इसको, तो ये इसकी पत्तियां तुरंत बंद हो जाएंगी। और इसमें बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पिंक कलर के फूल खिलते हैं, और फिर उसके बाद में उसी में सीड्स बनते हैं। ये देखिए इस समय इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, और ये देखिए इसका फूल है, ये स्पेंट हो गया है, और कलियाँ अच्छी खासी हर ब्रांच पर आई हुई हैं। देखिए ये भी है, और ये देखिए इधर भी भरी हुई हैं कलियाँ, और ये देखिए ये फूल है, ये फूल आया हुआ है इसमें पिंक कलर का, बड़ा सुंदर सा छोटा सा फूल होता है। और पत्तियाँ देखिए इसकी, तो इनका एक साइंटिफिक कारण होता है ना, लेकिन वो मेरे को ऐसे याद नहीं है क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि ये कोई जादू नहीं है, ये जो है वो जो है एक साइंटिफिक रीज़न है इसका भी। तो इसकी पत्तियाँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बस छूते ही बंद हो जाती हैं। और इसको मैं तो नर्सरी से लेकर आई थी, लेकिन इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है। ये देखिए ये इसके फूल जो स्पेंट हो रहे हैं, इन्हीं में इसके सीड्स बनते हैं। मैंने इसको कभी सीड से ग्रो नहीं किया है, ये मेरे यहाँ अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और मैं इसके सीड्स बनेंगे तो आप लोगों को आगे वीडियो में किसी में दिखाऊंगी। तो मैंने कभी इसको सीड से ग्रो नहीं किया है। ये मैं इसके यहाँ पर डाल देती हूँ। ये मेरा देखिए पुदीना लगा हुआ है, और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये वेस्ट मटेरियल में मैंने ग्रो किया हुआ है, और इसकी चटनी बना के हम लोग खाते हैं अक्सर, और ये ख़त्म नहीं होता है। जितना आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो है बढ़ता रहेगा। देखिए इसकी ब्रांचेस कहाँ तक पहुँच गई हैं टच मी नॉट की, और खूब अच्छे से ये इसी में ही ग्रो हो गया है अपने आप ही, और चल रहा है। तो मैंने आपको पहले कभी वीडियो में बनाई थी जब, तो बोला था कि मैं फूल दिखाऊंगी, लेकिन एक बार ये मेरे यहाँ ख़त्म हो गया था। तो इसका फूल अब देखिए इस तरीके का पिंक कलर का होता है, और बस इसको कटिंग से मैंने कभी नहीं लगाया है। ये किसी भी तरीके की मिट्टी में फ्रेंड्स ग्रो हो जाता है, और पूरे दिन की आप इसे धूप में रखें तब भी ये चलता रहता है। मेरे यहाँ तो ये पूरे दिन की धूप में ही रखे हुए हैं सारे ही पौधे मेरे, तो ये भी रखा हुआ है। इसको जो है वो थोड़ा पुदीने की वजह से इसकी जड़ें वगैरह जो हैं वो ढकी रहती हैं, और इसमें नमी बनी रहती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये जो है बस इसी तरीके से अपने आप ही जहाँ इसके सीड गिर जाते हैं वहीं पर ग्रो हो जाता है ये। और नर्सरी में भी जहाँ से मैं लाई थी उनके बहुत सारे पौधे ज़मीन में ही उगाए थे, तो अपने आप ये, और इसकी जो जहाँ रूट्स होती हैं वहाँ से भी जैसे हमारे पुदीने में फुटाव आ जाते हैं, इसी तरीके से इसमें भी आ जाते हैं। उनके जो ज़मीन में लगा हुआ था इसकी जड़ भी मेरे को नहीं दिख रही है कहाँ पर है, ये देखिए। तो ये नीचे नीचे भी चलता रहता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको भी ये प्लांट अच्छा लगता है तो नर्सरी से ले आइए। ये देखिए कितने इसमें सीड्स बन रहे हैं ये, और मैं ये यहीं पर डाल दे रही हूँ। अगर अभी आगे ग्रो होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। ये मैंने यहीं पर डाल दिए हैं कुछ सीड्स, और मिट्टी से इन्हें ढक दिया है। तो इस तरीके से ये, और पानी भी मैं इसको दोनों टाइम देती हूँ फ्रेंड्स। पानी की भी जो है इसको, गर्मियां हैं सभी पौधों को ज़रूरत है अभी तो दोनों टाइम, तो मैं इसको पानी भी दोनों टाइम देती हूँ। पुदीने को देती हूँ अपने, तो मैं इसको भी पानी साथ में ही लग जाता है। देखिए गर्मी के मारे पत्तियां कैसे बर्न हो रही हैं। और
मिट्टी भी मैंने आपको बता दी किसी भी तरीके की, और कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है इसकी। जो फर्टिलाइज़र आप अपने सारे पौधों में देते हैं वो भी इसको, वो इसको भी देते रहें, और कोई ख़ास ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। बस बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, बचपन में हम भी खूब खेलते थे। आजकल ये वीड्स बहुत सारी निकल आ रही हैं, आप अपने प्लांट्स में से निकालते रहें, वरना ये हमारे प्लांट्स में जो हम अपना न्यूट्रिशंस वगैरह देते हैं वो सब ये भी लेती रहती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, और जो है इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि इनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, और तरह तरीके की वीड्स इसमें उग रही हैं। तो ये निकालते रहिए आप अपने इसमें से, प्लांटर में से, जिससे कि जो हम न्यूट्रिशंस देते हैं वो हमारे पौधों को मिले। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने जो मुझे मालूम था इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए थोड़ी देर बाद इसकी पत्तियां खुल भी जाती हैं अपने आप, कुछ खुल गई हैं और कुछ बंद हैं अभी, जो बाद में छुई हैं मैंने, ये देखिए ये वाली खुल गई हैं, इनको छुआ तो ये भी बंद हो गई। बस ये इस तरीके से खिलवाड़ है बस बच्चों का, और इसके बारे में मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। तो मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।